অহিরা বাংলাদেব সততার সাথে মানবতার স্বার্থে নমস্কার আজকে আমরা চলে এসেছি কাঁচরাপাড়াতে এখানে একজন বিশিষ্ট সজ্জনের সাথে আমাদের কথা হবে ইনি কাঁচরাপাড়ার মিউনিসিপ্যালিটি চেয়ারম্যান এবং কাঁচরাপাড়া টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট সুধামা রায়ের সঙ্গে আমরা কথা বলে নেব স্যার নমস্তে স্যার বললাম ইয়ে প্যালা মেকে দিন মে আপকা কিছু ভিউ বতাইয়ে मई दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज पदयात्रा किया पाँच नंबर वार्ड और सात नंबर वार्ड में अच्छा। हमारे तीन तृणमूलकर्मी विधायक ये सब काउंसिलर सबको लेकर हम लोगों ने पदयात्रा किया अच्छा। और श्रमिकों के हित में हमारे विधायक ने उन लोगों को कहा तो श्रमिक जो हैं देश के कराधार हैं उनके ऊपर ही देश निर्भर करता है ठीक है सर सर बोल रहा हूँ इलेक्शन तो आने वाला है एकदम सामने आ गया अच्छा क्या लग रहा है आपको मतलब कि कुछ मतलब स्पेसिफिक कुछ चीज़ें कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहे हैं ना कि ट्रेंड ठीक ठाक ही लग रही है ये बताइए थोड़ा भारतवर्ष में परिवर्तन हो रहा है मोदी सरकार जो है जा रही है त्रिशंकु सरकार बनने की खूब संभावना है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो पश्चिम बंगाल में उन्नयन किए हैं उस चुनैन को देखते हुए पश्चिम बंगाल में चौंतीस के जगह जो है अड़तीस भी हो सकता है अच्छा बहुत बढ़िया अच्छा एक बात बताइए सर ये जो चेंजेस काफ़ी दिखाई दे रहे हैं मतलब काफ़ी क्लब्स बोलो आप कुछ कम्युनिटीज भी है जो लोग अभी चेंजेस आ रहे हैं उन लोग में मतलब वो टीएमसी का प्रीवियस जो उन लोग का इन्फॉर्मेशन था अभी वो वहाँ से चेंजेस होकर उसका बीजेपी में ट्रांसफ़र हो रहा है तो इसके पीछे रीज़न क्या है देखिए सी के लोग तिरणमूल में आए हुए थे और वो लोग जो है कमाने खाने वाले लोग हैं जो कमाने खाने वाले लोग हैं वो लोग ही बीजेपी में जा रहे हैं साधारण कर्मी जो है बीजेपी में जा नहीं रहे हैं। नेता लोग जा रहे हैं तो नेता लोगों का अलग ही उद्देश्य होता है उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए जा रहे हैं ठीक है सर और सर एक चीज़ बोलिए कि ये जो बीजेपी का मैक्सिमम जो पॉलिटिक्स दिखाई देते हैं इसमें सांप्रदायिक ज़्यादा दिखाई देते हैं कि यहाँ पे नॉन बंगाली बेस्ड कैंपेन ज़्यादा करते हैं यहाँ पे उस तरह के एरियाज में आपको ज़्यादा बीजेपी का चेंजेस दिखाई दे रहे हैं लेकिन टीएमसी का कुछ अलग डिफरेंस है वो लोग सबको मिला के एक साथ वोट पॉलिटिक्स करते तो इसमें आप क्या बोलना चाहते हो देखिए बीजेपी सांप्रदायिक दल है और आर का नेतृत्व उसके करते हैं बीजेपी में दो ही लीडर हैं सारे भारतवर्ष में दो ही लीडर जो हैं एक मोदी साहब हैं और एक जो है आपका अमित शाह जी हैं ये दो ही लीडर सारे भारतवर्ष में प्रचार कर रहे हैं मोदी हम तो ये देख रहे हैं कि दिल्ली में मोदी सरकार में और कोई दूसरा मंत्री नहीं है जो प्रचार कर सके उसका कोई बेस नहीं है ये दो आदमी सारे देश में घूम रहे हैं पश्चिम बंगाल में दस बार आ रहे हैं लेकिन उनका प्रभाव कुछ पड़ने वाला नहीं है क्योंकि ममता बनर्जी सशक्त हैं और अभिषेक जी कुछ दिन आगे आए थे कचरा कचराबड़ा में तो उनका जो कैंपेन उसने किया था तो उसमें दिखाई दिया था कि 48 जो टोटल काउंसिलर्स है आपका हाली शहर कचरा कचराबड़ा में वहाँ पे सिर्फ लगभग 20 के आसपास दिखाई दिया तो इतना कम प्रेजेंस क्यों था उस दिन देखिए गर्मी का दिन है गर्मी के दिन में सारे अधिक अधिक से महिलाएँ यहाँ पर हमारे जो है दस हैं महिला काउंसिलर उसमें से आठ महिलाएँ गई थी कुछ महिलाएं हैं हाली शहर की जो कि जिनका उम्र ज्यादा हो चुका है धूप में धूप नहीं सह सकती है इसलिए लेकिन मोटा मोटी मिला के कच्चा पड़ा हाली शहर के सारे लोग ने एक साथ अच्छा और एम एल ए शुभ्राम सुरय जी का रोल क्या चल रहा है अभी इलेक्शंस में मतलब उसका आ... क्या वाइटलिटी आपको दिखाई दे रहा है एम एल ए शुभ्राम सुरय का रोल ठीक है वे ममता बनर्जी में आस्था रखते हैं और हमारे मंत्रिगण भी उनमें विश्वास रखे हुए हैं वो तृणमुल में ही रहेंगे और तृणमुल के साथ ममता बनर्जी के साथ ही रहेंगे ठीक आम पब्लिक को कुछ इन्फॉर्मेशन देने जाते हो इलेक्शन के लिए कच्चा पड़ा की जनता जो है हमारे दिनेश त्रिवेदी को वोट देने के लिए उतावला हो चुकी है और दिनेश त्रिवेदी जो है बीजपुर से कम से कम पचास हज़ार वोटों से जीत करेंगे अच्छा और सर इलेक्शन के बाद देखिए आप लोगों ने काफ़ी काम किए है काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है कचरावाड़ा में इलेक्शन के बाद आपको क्या लग रहा है कहाँ कहाँ पे ध्यान देना चाहिए ज़्यादा जो चेंजेस कर सकते हैं हम लोग एक प्लान बनाएंगे और उस प्लान के मुताबिक हम और विधायक बैठकर कच्चा पड़ा और हाली शहर को किस तरह से उन्नति किया जाए हाली शहर के चेयरमैन भी रहेंगे और और क्या डेवलपमेंट किया जाए लोगों से नागरिकों से सजेशन लिया जाएगा और उस सजेशन के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं आप कुछ दिन पहले देखे हैं कि एक सौ बीस करोड़ रुपये का एक जल प्रकल्प हो रहा है ये जो पड़ा के लिए बहुत बड़ा काम है और वो काम शुरू भी हो गया है गंगा में जेठी बनना काम शुरू हो गया है ये सब जल का जो जल प्रकल्प जो हो गया है यहाँ के लोगों के लिए ये वरदान साबित होगा इतना ही नहीं विधायक और एमपी के फंड से यहाँ तीन मिनी हॉस्पिटल खोला गया है एक छः नंबर वार्ड में खोला गया है एक बारह नंबर में खोला गया है एक सोलह नंबर वार्ड में जहाँ गरीबों को सब सुविधाएं होगी ई होगा ब्लड टेस्ट होगा शुगर टेस्ट होगा एक्सरे होगा हर चीज़ के और मुफ्त में दवाएँ भी दी जा रही हैं ये काम ममता बनर्जी के नेतृत्व में हमारे विधायक दिनेश त्रिवेदी और कचरापाड़ा के म्युनसिपैलिटी यहाँ के नागरिक सबके सहयोग से हो रहा है इतनी कामें हुई है जिसका हद नहीं भारतवर्ष में एक इतिहास है जो पश्चिम बंगाल में जितना उन्नति का काम हुआ है किसी राज्य में नहीं हुआ है यह मैं गर्व के साथ कह रहा हूँ सर से मैंने बात किया तो सर बोल रहे कि इस बार के इलेक्शंस में काफ़ी अच्छा रिजल्ट उनको दिखाई दे रहे हैं मतलब वो प्रेडिक्शन भी कर रहे हैं कि दिनेश त्रिवेदी कम से कम पचास हज़ार के ऊपर में वोट का मार्जिन में वो जीतेंगे थैंक यू सर टाइम देने के लिए Like, subscribe for more information and news, and click the bell icon for notifications.